आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। हो गया कि ड्रेसिंग करने के लिए ग्लव्स नहीं है, ना ड्रेसिंग के लिए कोई दवाई है। यहाँ टेडबैग भी ख़त्म हो गया है, डायलोना भी ख़त्म हो गया है, माने यानी कि प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए भी कोई दवाई बचा नहीं है। और यहाँ का संचालक तो बोल रहे हैं कि फंड जब तक रिलीज नहीं होगा तब तक हम कुछ कर नहीं सकते हैं। मेडिसिन नहीं रहने से पेशेंट लोग को दिक्कत होता है, दूर से आता है, बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है, और पेशेंट को अगर मेडिसिन नहीं मिलेगा तो बहुत दिक्कत हो रहा है उसमें। मेडिसिन भी होना चाहिए हम लोग, हमारे पास ना तो पीपी है या कुछ है, हम ऐसा ही कैसे, हम कोई डिलीवरी पेशेंट आ गया, एक्सीडेंटल आ गया, हम उनके साथ हम कैसे डील करेंगे विदाउट ग्लव्स? हम खाली हाथ से तुमको स्टिच नहीं मारेंगे। सारा व्यवस्था होने पर भी यदि हमारे पास पीपी किट नहीं है, जो मेन जरूरी चीज़ नहीं है, वही हमारे पास नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? बाद अभी 3 महीना से पैसा नहीं मिलने के कारण डॉक्टर लोग नहीं आ रहे हैं, और दवा नहीं रहने के कारण तो ऊपर भी कुछ कुछ मरीज को हम लोग अपना पैसा से कुछ दवा ला के करवाएँ इलाज, उसके बाद नहीं मिलने लगा तो फिर सर्जन नहीं आने लगे, उसके बाद हम लोग मरीज को बंद कर दिए भर्ती करने के लिए, क्या कि जिसका इलाज नहीं होगा उसको यहाँ रख के कोई फ़ायदा नहीं है, क्या कि यहाँ सामने में CSC है, यहाँ पर कुछ होता नहीं है, सारा मरीज यहीं पर आके करवाता है। अभी ऐसा स्थिति हो गया, इसीलिए जब तक चल रहा है, और हम लोग को 3 महीना से वेतन भी नहीं मिली है, और हम लोग को बहुत आर्थिक स्थिति ख़राब हो गया है, क्या कि हम लोग गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, और 3 महीना से अगर गरीब फैमिली में पैसा नहीं मिलेगा तो उसके घर परिवार कैसे चलेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। आज हम आपको एक विशेष मुद्दा के साथ आपको यहाँ से फील्ड ग्राउंड रिपोर्टिंग करके हम आपको आज एक विशेष मुद्दा के साथ आपको हम जोड़े हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खूंटी जिला के अड़की प्रखंड स्थित कल्याण अस्पताल की। जी हाँ, ये वही कल्याण अस्पताल है जिसका शुरुआत यहाँ के कल्याण मंत्री रहे, तत्कालीन कल्याण मंत्री रमेश सिंह मुंडा के द्वारा किया गया था। हालांकि बात करें जिस प्रकार से यह अस्पताल अपना कार्य कर रही थी, वो आज कार्य जो है बिल्कुल फीका हो गया है। जी हाँ, जहां आज लोगों को संक्रमण काल के समय बेड के लिए जूझना पड़ रहा है, वहां ये कल्याण अस्पताल बेड रहते हुए भी बेड नहीं होने की बात कर रही है। लेकिन बात करें जिस प्रकार की यहां पर स्थिति यहां पर नज़र आ रही है, वो स्थिति से आप यदि रूबरू होंगे तो आप भी कहेंगे कि क्या झारखंड इसलिए बना था? क्या झारखंड के लोगों के लिए इस तरह की कुव्यवस्था तैयार की गई थी? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ के कल्याण अस्पताल का, जहाँ पर 50 की संख्या में बेड है लेकिन डॉक्टर मात्र 2 हैं। बात करें दीपक फाउंडेशन के द्वारा ये अस्पताल संचालित किया जाता है, और आज के दिन में यहाँ पर आपको जो स्थिति यहाँ पर दिखाएंगे हम, यहाँ पर ना दवा है, ना टेडवैक है, ना हाथ में ग्लव्स है। जी हाँ, ना हाथ में ग्लव्स है, ग्लव्स तक की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, जिसको लेकर यहाँ पर कुछ जनप्रतिनिधि भी साथ में यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ की वस्तु स्थिति से जायजा ले रहे हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर किस तरह से ये स्थिति तैयार हुई? हमारे साथ पूर्व जिला परिषद सदस्य, वर्तमान सांसद प्रतिनिधि खूंटी जिला के साथ में हमारे साथ मौजूद हैं अनूप साहू जी, इनसे हम बात करते हैं। क्या पता चला जब यहाँ पहुँचे? हम लोग को यही बताया गया कि 18 महीना से फंड नहीं मिला है, जिसके कारण अस्पताल की स्थिति काफ़ी दुर्दशापूर्ण हो गई है। इस अस्पताल को बनने के बाद पूरे अड़की प्रखंड ही नहीं, इसके अलावा तमाड़ बुंडू से भी मरीज विश्वासपूर्वक इलाज कराने आते थे, लेकिन आज ये स्थिति हो गया है कि एक साधारण मरीज भी, जिसका हम लोग गांव देहात में बोलते हैं कि पेट दर्द होने से भी उसका दवा यहाँ नहीं है, और जो भी यहाँ पर सर्जन थे, विशेष करके जो डॉक्टर थे, वो सभी यहाँ पर अभी नहीं रह रहे हैं, चूँकि उनका वेतन 4-5 महीना से उनको नहीं दिया गया। अनुप जी, एक मिनट के लिए रोकेंगे। जिस प्रकार से बात करें, अभी संक्रमण काल चल रहा है, जो एक पैंडेमिक स्थिति जो बनी हुई है, वहाँ पर क्या लगता है कि डॉक्टर को मान लीजिए 2-3 महीना का यदि पेमेंट अभी रोक दिया गया है, तो क्या उनको छोड़ के जाना चाहिए था? नहीं, छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि अभी हमको लग रहा है कि इन लोग को ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ रहने के बाद भी हो सकता है कि कल फंड मिले नहीं मिले, और हम लोग ऐसे ही सेवा नहीं दे पाएंगे बोल के, हम तो यही चाहेंगे झारखंड सरकार से कि तुरंत जल्दी से जल्दी
रिंची हॉस्पिटल को फंड दिया जाए और जो भी यहाँ पर पहले से जिस तरह से चलता था उससे भी बेहतर ढंग से हमारा हॉस्पिटल चले। चूँकि अड़की प्रखंड जनजाति बहुल होने के साथ साथ गरीब और पिछड़ा प्रखंड है और इस प्रखंड के लोग बड़ी विश्वास के साथ माने ये बोलेंगे कि आज हम लोग जब यहाँ आए तो एक वर्ण का बच्ची यहाँ पर पड़ी हुई है जो 3 महीना से यहाँ पर इलाज करा रही है। इसका मतलब यही हुआ कि लोग इस हॉस्पिटल के बारे काफ़ी विश्वास रखते हैं। आज हम चाहेंगे हमारे जो भी माननीय कल्याण मंत्री हैं वो जल्दी से जल्दी फंड दें और इस बारे में हम लोग केंद्रीय मंत्री सह खूंटी के सांसद माननीय अर्जुन मुंडा जी से भी संपर्क करके हम लोग चाहेंगे कि इस पर हस्तक्षेप करें और जल्दी से जल्दी फंड दिलाने का कोशिश करें। बात करें फंड की, जहां पर अनुप जी का ये कहना है कि फंड की व्यवस्था यदि सुचारू रूप से हो जाती है तो कहीं ना कहीं अस्पताल फिर से जो है वो रन करने लगेगी। हमारे साथ बीजेपी के एसटी मोर्चा के अध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं जो हमारे साथ है संजय जी। संजय जी बताएं क्या स्थिति से रूबरू हुए? अभी जो हॉस्पिटल है हमारे अड़की प्रखंड में इसका अभी स्थिति बहुत ही ख़राब है और स्थिति खराब होने का कारण यही है कि अभी जो ये काम अभी देख रेख कर रहा है दीपक फाउंडेशन उसको वेलफेयर डिपार्टमेंट की ओर से फंड नहीं दिया जा रहा है और मैं यही कहूँगा सरकार से वर्तमान सरकार से कि वे अविलंब इनका जो फंड होता है वेलफेयर डिपार्टमेंट से वो इनको दे दें और हॉस्पिटल बढ़िया से चले। जिस प्रकार से बात करें कि आदिवासी बहुल इलाका पूरा अड़की प्रखंड की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आदिवासी लोग हैं, इस क्षेत्रों में क्या लगता है इन क्षेत्रों में इस तरह की स्थिति तैयार होनी चाहिए थी क्या इस तरह की हो रही है? नहीं, ये तो मैं कहूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि अभी के समय में कोरोना काल के समय में सरकार आम जनता के प्रति संवेदनशील नहीं है। तो समझ सकते हैं कि स्थिति जो है क्या हाल यहाँ पर बन रही है। बात करें हमारे साथ मुखिया जी भी है, क्या नाम हुआ सर? श्रीचरण मुंडा ग्राम पंचायत अड़की के मुखिया हुए। अच्छा मुखिया जी ये बताएं कि आप इस तथ्य से कब आपको रूबरू हुआ, आपको कब जानकारी हुआ किस तरह की स्थिति बनी हुई है? ये करीब करीब हमको 4-5 दिन पहले से ये हमको जानकारी हुआ। एक दोस्त मेरा यहीं पर काम उम करते हैं, सब बताए कि बड़ी ही कठिनाई हो रहा है अस्पताल में कि दवा भी नहीं है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है, यह सब दिक्कत हो रहा है। अब सुरक्षा के दृष्टि से जो नर्स को होना चाहिए एक डॉक्टर को होना चाहिए या फिर तो नर्स का कहना है कि वहाँ पे उन लोगों के पास ग्लव्स तक नहीं है, पीपी किट तक नहीं है, कैसे होगी इलाज? ये सारा से चीज बहुत ही इस क्षेत्र के लिए दुखद है। ये अस्पताल बहुत ही उम्मीद और आशा के साथ रमेश सिंह मुंडा ने इसका नींव रखे थे, बहुत लड़ाई से लड़के इस अस्पताल को इस सुदूर क्षेत्र में लाने का काम किए थे और क्षेत्र का आम जनताओं का भी विश्वास था कि ये अस्पताल बन जाने के बाद हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से जो ट्रीटमेंट होता है उस तरह से हम लोगों को ट्रीटमेंट मिलेगा और 50 बेड की है। लेकिन आज बहुत ही दुखद स्थिति है, जैसे स्टाफ लोगों ने बताए, यहाँ के डॉक्टर ने बताए कि इन लोगों को फंड ही अभी तक 18 महीना से बोल रहे हैं कि अभी तक फंड नहीं मिला हुआ। अच्छा नहीं मिला हुआ। एक मिनट मुखिया जी, हम एक चीज़ बोलना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए दीपक फाउंडेशन इस अस्पताल का संचालन कर रहा है, क्या इसको लेकर इन लोगों ने कभी आप लोगों से मिला या किसी जनप्रतिनिधि से मिला इसको लेकर? यह तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमको 4-5 दिन पहले हमको बताया गया। क्या लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर कहीं ना कहीं कमी है? हाँ कुछ तो कमी। टोटल सरकार को दोष देना कहीं ना कहीं सही भी नहीं है। शायद आगे क्या किए हैं, लोग जानकारी दिए हैं नहीं दिए हैं, इस पर क्या किए हैं उसका तो हम उतना हम संज्ञान नहीं ले पाए हैं। लेकिन हम जो 4-5 दिन को संज्ञान में दिए थे लोग नहीं उस तरह से तो संज्ञान में है। 4-5 दिन से जो हैं पप्पू जी यहीं पर काम भी करते हैं, देखते हैं और यही बताए इस पर कुछ तो करना चाहिए। और फिर इसके बाद हमने जो भी अपने जैसे सांसद प्रतिनिधि हुए संजय जी हुए और जो आम जनता के हित में जो सोचते हैं उस तरह का आदमी लोग को 2-5 आदमी को बोले और फिर हम लोग इस तरह से। तो ये हमारे साथ अड़की पंचायत के मुखिया जी थे जिनका ये कहना है कि इनको मामला संज्ञान में नहीं दिया गया था, हालांकि इनको किसी दूसरे के मार्फत से इनको जानकारी ये प्राप्त हुई कि यहाँ पर अस्पताल में कमियाँ हो गई हैं। बात करें जहाँ पर जिस प्रकार की यहाँ पर फंड की जो बात अभी सामने आ रही है इसको लेकर दीपक फाउंडेशन ने स्थानीय प्रतिनिधि को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी, जिसका खमियाजा आज यहाँ के प्रखंड के निवासी भुगत रहे हैं और तकलीफ से झेल रहे हैं।
ये स्थिति पैदा हो गई है। सवाल है यहाँ के जनप्रतिनिधियों का, तो बात करें कि यहाँ के सांसद और यहाँ के विधायक जो हैं इस मामले पर ध्यान देनी चाहिए उनको, और इस अस्पताल को त्वरित रूप से इस पर कार्रवाई कर इसका पुनः यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था को सुचालित करना चाहिए। हमारे सहयोगी राजेश के साथ मैं अमित दत्ता, आजाद सिपाही, अड़की।